नमस्कार, सिल्क टीवी के साथ मैं हूं विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। पूरे देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया ईद उल फितर का त्यौहार। गले मिलकर लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। ईद को लेकर जिले भर के विभिन्न मस्जिदों और खानकाहों में उमड़ी नवाजियों की भीड़। उलेमाओं ने मांगी मुल्क में अमन चैन की दुआ। ईद को लेकर भागलपुर में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। अति संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। स्कूली बच्चों ने रैली निकाल पौधरोपण के दिए संदेश। और नाथनगर पुलिस ने दुकान में छापेमारी कर अवैध शराब के साथ युवक को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। देशभर में ईद के त्यौहार को लेकर उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। भागलपुर में भी ईद को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पूरे अंग प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद का त्यौहार मनाया गया। सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। खानकाह शाहबाजिया में सज्जादा नसीर सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शाहबाजी ने ईद की नमाज पढ़ाई। आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक ईद को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही ईद की नमाज की तैयारी कर रहे थे और इसके बाद विभिन्न मस्जिद, ईदगाह, खानकाह जो भी है उसमें लोग नमाज अदा करने के लिए हज़ारों की संख्या में पहुंचे हैं और नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं। एक माह का रोज़ा रखने के बाद यह त्यौहार आता है और इसको लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में नमाजियों की भीड़ है। नमाज ख़त्म होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलेंगे और ईद की बधाई देंगे और हर मजहब के लोग इस खुशी में शामिल होते हैं। सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। वहीं ततारपुर में मौलाना फारूक आलम असरफी ने, जबकि शाह मार्केट में खानकाह पीर दमड़िया के उप सज्जादा नशी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने ईद की नवाज पढ़ाई। वहीं बरेपुरा ईदगाह मैदान में हाफिज कुदरत उल्ला ईद उल फित्र की नवाज पढ़ाया और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही कहा कि ईद की खुशियां समाज के हर तबके के लोगों के साथ बांटें। ईद का त्यौहार पूरे अंग प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नगर विधायक अजीत शर्मा और उप महापौर राजेश वर्मा सिटीएस मैदान पहुंचे और सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। विधायक ने मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर समाज में आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ सभी को एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने की अपील की। साथ ही ईद की शुभकामना देते हुए कहा कि ईद समाज में शांति एवं भाईचारा का पैगाम देता है जिसे हम सभी साथ मिलकर और एक दूसरे की खुशी में शामिल होकर मनाते हैं। जिसमें खुशी का माहौल होता है, भाईचारा की बात होती है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी हिंदू मुसलमान मान भाई ईद का पर्व मनाते हैं और हम ईद के मौके पर पूरे भागलपुर वासी, बिहार वासी, देशवासी को एक ही संदेश देना चाहेंगे। इस ईद के अवसर पर भाईचारा बनाए रखिए। देश को आगे बढ़ाने में हम लोग सभी हिंदू मुसलमान भाई देश के नागरिक हैं, हम लोग एक होकर देश का विकास करें। वहीं उप महापौर राजेश वर्मा ने भी शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद दी और मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर ईद की बधाई दी एवं पूरे उल्लास के साथ ईद मनाने की बात कही। राजेश वर्मा ने कहा कि ईद हम सबों को एक साथ मिलकर रहने का संदेश देता है और सभी लोग ईद की खुशियां आपस में बांटकर गरीबों एवं वंचितों की सेवा करें। साथ ही कहा कि ईद से हिंदू मुस्लिम एकता भी मजबूत होती है और हम सब मिलकर किसी मतभेद के आपस में मिलकर रहें। एक महीने के इस रोज़ा के बाद आज ईद के इस पाक महीने में, इस त्यौहार में, मैं सभी हमारे देशवासियों को, शहरवासियों को ईद की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, ढेरों बधाई देता हूं और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि आप तमाम लोग, जिन लोगों ने एक महीने तक रोज़ा रखा है, आप लोगों ने इतने कठिन रोज़े को रखकर एक महीने तक, उसके बाद आज ईद का ये त्यौहार आप मनाने आए हैं, तो आपका, आपके जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी दुआ है, वो अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करे और आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। ईद के इस खुशी के अवसर पर मैं डॉक्टर डीपी सिंह शहरवासियों को, देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं कि ईद का यह पर्व, खुशियों का यह पर्व, मेल मिलाप का यह पर्व
सेवई खाने का यह पर्व लोग आनंद से मनाएं, उत्साह से मनाएं, एक दूसरे के गले मिलें और ऐसा मिसाल कायम करें अपने शहर में, अपने देश में, कि लोग जो है देखें कि एक अनूठा मिसाल भागलपुर के वासी दे सकते हैं और पुनः देशवासियों को ईद के मौके पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों को ईद की। ईद के सिलसिले से इतनी बात ज़रूर है कि सभी लोग, गरीब समुदाय के हों चाहे अमीर समुदाय के हों, सबों के दरमियान खुशी होनी चाहिए। और खुशी दो तरह से हो सकती है, एक जेब भरा हुआ हो उससे भी खुशी होती है। चुनांचे रमज़ान के महीने में ज़कात खैरात की रकम से उन गरीबों को भी खुल के बांटने का है, कपड़ा से लेके हर चीज़, ताकि उनके दिल में भी वो खुशी हो। सोशल अनरेस्ट यानी गरीब और अमीरों के दरमियान जो फाड़ है, जो दूरी है, वो कम हो सके। दूसरी चीज़ है कि सोशल लेवल पर बहुत सारी ऐसी है जो ईद की नमाज में लानी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग गरीब को पैसा दे रहे हैं, हमें इस बात की भी ख्याल रखना चाहिए कि पेड़ पौधे भी हमारे भाइयों की तरह हैं, कि उनको भी लगाना, उसको लगाने से का मतलब हुआ, पेड़ लगाने का मतलब हुआ कि परिंदे और पक्षियों का भी हम ख्याल रख रहे हैं। चुनांचे मेरा ईद का ये संदेश है कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि साहब सिर्फ इंसानों की खबर न लें बल्कि परिंदे पक्षियों उसकी भी खबर लें, पेड़ लगाएं, सो दैट कि हमारा वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर रिटेंशन भी हो और परिंदों के लिए भी जगह मिल सके, आशियाना मिल सके। ईद के शुभ अवसर पर हम देशवासियों को सौहार्द, प्रेम और आपसी मेल का संदेश हम देना चाहेंगे कि जितने भी व्यक्ति हैं सभी हम सब एक हैं, हम सब का गॉड एक है, अल्लाह एक है और हम सभी प्रेम सौहार्द से अपने जीवन यापन करें, मिलजुल कर रहें और सब कोई ईद को उल्लासपूर्ण हम सब मिलकर मनाएं। मैं मनीष कुमार, संभव कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर, इस ईद के पावन असर पे पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ख़ासकर भागलपुर वासियों को भी मेरे तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इस शुभ अवसर पे सबसे अपील करता हूं कि आपसी भाईचारे और शांति के साथ मिलजुल के त्यौहार मनाएं। नमस्कार, मैं क्रिएशन परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं देती हूं। यह एक मैत्री का महीना है तो हम मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा जो पैगाम दिया गया था कि हमें हम सभी को आपसी प्रेम के साथ रहना चाहिए, आपसी प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए, तो उसी पे चलते हुए हमें उनके सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए और आपसी प्रेम के साथ इस महीने को ही नहीं समस्त पूरे साल को अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। वंचित समाज पार्टी की ओर से ईद के शुभ अवसर पर भारतवासियों को हम चाहते हैं प्रेम मोहब्बत के साथ जो सद्भावना और जो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता है उसके अनुसार हम चाहते हैं कि एक शांतिपूर्वक एक खुशी माहौल में यह ईद मने और इसमें हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग को इन्वॉल्वमेंट हो और हम इन्वॉल्वमेंट हो और इस अवसर पर सबको हम हार्दिक बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामना देते हैं। मैं खानकाह पीर दमड़िया शाह रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से तमाम शहरवासियों को बल्कि पूरे मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। अभी रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना गुज़रा है, जिसमें ख़ास तौर पर ईमान वालों ने अल्लाह की बंदगी इस तरह अदा की कि उनके अंदर रूहानी निखार पैदा हुआ है। अब उन्हें समाज सेवा का काम करना चाहिए, अल्लाह की इबादत के साथ साथ पूरे मुल्क में किस तरह सद्भावना कायम हो, मोहब्बत और अमन व शांति की हवाएं चलें, इसके लिए जो भी रोज़ेदार रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि ईद की इस खुशी के मौके पर सारे लोगों के घर में इस खुशी की ठंड पहुँचे, वहाँ खुशियों की हवाएं पहुँचें। इस तरह से अपनी खुशी को मनाइए, यही हम कामना करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। ईद जो है वो खुशी का त्यौहार है। असल में 30 दिन रोज़ा रखने के बाद ये हमें खुशी मिलती है कि हमारे तमाम पिछले गुनाह और गलतियों और खताएँ अल्लाह माफ़ करते हैं। रमज़ान में जो अल्लाह की तरफ से ऐलान है
کہ رمضان کا بدلہ، روزے کا بدلہ ہم خود ہیں، یعنی جس کے ہاتھ میں کائنات ہے، جس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اس کا بدلہ ہیں، یعنی وہ بہتر سے بہتر روزہ رکھنے والوں کو انعام سے نوازیں گے۔ اور اس عید کو ہم سب مل کر کے منائیں، یعنی غریب، کمزور اور یتیم، بیوہ، سب کی عید ہونی چاہیے۔ اپنی عید صرف نہیں ہے بلکہ سب کے ساتھ عید منانا صحیح خوشی ہے۔ ہم خوش ہیں لیکن ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہے تو وہ عید نہیں ہوئی۔ عید کا مطلب ہے کہ ہر ایک، اسی لیے اس میں فطرے کے لیے کہا گیا ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد فطرہ دو تاکہ اس کے یہاں بھی اچھا کھانا بن سکے، اور تم زکوٰۃ دو تاکہ وہ بھی اپنا اچھا کپڑا بنا سکے۔ یہ سب چیزیں رکھی گئی ہیں، فرض کی گئی ہیں تاکہ ہم سب مل کر کے عید کی خوشی منائیں۔ اس لیے اس عید کو آپ سب مل کر کے، اور ہم ملک کے جو اور لوگ ہیں، اور برادری کے لوگ ہیں، ان کو بھی اپنے عید میں، اپنی خوشی میں شامل کریں، ان کو اپنے گھر میں بلائیں، ان کے گھر میں جائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل جل کر عید منائیں۔ یہ اجتماعی عمل ہے، اجتماعی خوشی منانے کے لیے، اور ملک کے لیے۔ ابھی رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، اس میں ملک کے لیے ہم دعا بھی کریں۔ میں اجے کمار، رسمی کیمسٹری کلاسز کی اور سے تمام دیش واسیوں کو، ساتھ ساتھ انگ پردیش کے سبھی ہندو مسلمان بھائیوں کو میرے طرف سے ہاردک دل سے عید کی بدھائی۔ اور میں چاہتا ہوں، میرا انرودھ ہے سبھی بھائیوں سے کہ اس پرو کو سالنتا پوروک بھائی چارہ کے روپ میں مناویں، جس سے ہمارے دیش میں آگے آنے والے جنریشن کے لیے نیا سندیش جائے۔ میں دلیپ کمار، ادھیک چھاتر آزاد تلکا مانجی بھاگلپور وشو ودیالیہ بھاگلپور کی اور سے سبھی چھاتر یوا ساتھی، خاص کر کے دیش کے سبھی مسلم بھائی کو عید پرو پہ بہت بہت بدھائی ایم شبھ کامنا دیتا ہوں، ایم سبھی بھائی سے اپیل کرتا ہوں، اس پرو پہ بھائی چارہ اور امن کے ساتھ آپ منائیے اور آپسی سوارتھ بنائے رکھیے۔ عید کے افسر پر بھاگلپور میں سرکشا کے ویاپک انتظام دیکھے گئے، اور شہر کے سبھی مسجدوں، عیدگاہوں اور خانقاہوں میں سی ٹی ڈی ایس پی راجون سنگھ ایوم صدر ایچ ڈی او آشیش نارائن خود نگرانی کرتے دکھے۔ اس دوران سی ٹی ڈی ایس پی ایوم صدر ایچ ڈی او نے مسلم بھائیوں سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی، اور آپسی پریم اور بھائی چارے کے ساتھ اس تہوار پر سب سے مل جل کر رہنے کی اپیل کی۔ اس دوران بھاگلپور کے تمام مسجدوں کے آس پاس دنڈادھیکاری ایوم پولیس بل گشتی کر رہے ہیں۔ نواز کے دوران سبھی مارگوں میں آواگمن بند رہا، اور اس کے بعد پنہ آواگمن سامان ہو گیا۔ سبھی نے ایک دوسرے سے گلے مل کر شانتی پورن ڈھنگ سے عید منانے کی اپیل کی۔ وہیں ایس ایس پی آشیش بھارسی خود سرکشا کی مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ سبھی بھاگلپور واسیوں کو عید کی ڈھیر ساری شبھ کامنائیں۔ آپ کا آج کا دن، آپ کا سمپورن سال اور پوری جیون آپ کا سکھمے ہو، آج کی طرح ہنسی خوشی سے ہی بیتے۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو ڈھیر ساری شبھ کامنائیں۔ سرکشا کے سمبندھ میں سبھی جگہوں پہ فورس اور منسٹر کی تعیناتی کی گئی ہے، سبھی لوگ تتپر اور وہاں پہ پرتینکت ہیں، اپنے کار کا سمپادن کر رہے ہیں، سبھی جگہ شانتی پورن ڈھنگ سے نماز ادا کی جا رہی ہے۔ آپ کے چینل کے مادھیم سے بھاگلپور کے سمست ناگرکوں کو عید کی ہاردک شبھ کامنا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورو کی بھانتی اس بار بھی سبھی مہتوپورن جگہوں، چوک چوراہوں پر ہم لوگوں نے پریاپت ماترا میں پولیس بل اور مجسٹریٹ کی پرتیوکتی کیا ہے، اور سب کچھ شانتی پوروک چل رہا ہے۔ عید کے چاند کا دیدار ہوتے ہی بچوں کی خوشیوں میں پنکھ لگ گئے ہیں، اور سبھی ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد دی۔ ضلع بھر کے عیدگاہ میدانوں میں بچوں کی کافی بھیڑ دیکھی گئی۔ اس افسر پر بچوں نے جم کر مستی کی۔ عیدگاہ میدانوں میں اور مسجدوں کے باہر رنگ برنگے پوشاک میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے عید کی خوشیاں منائی۔ بھاگلپور کے شاہ جنگی میدان میں عید کو لے کر میلہ لگا رہا، اور بچوں نے کھلونے کی خریداری کی، ساتھ ہی جھولے اور چاٹ پکوڑے کا آنند لیا۔ محبت، آپسی بھائی چارے اور سوہارد کا پرتیک عید کو لے کر لوگوں میں زبردست اتساہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس پرو پر لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کر بدھائی دے رہے ہیں۔ وہیں عید الفطر کو لے کر خانقاہ عالیہ شہباجیہ کے سجادہ نشی سید شاہ محمد انتخاب عالم شہباجی نے لوگوں کو عید کی شبھ کامنائیں دی، اور کہا کہ یہ تہوار ہمیں غریب اور اسہائے لوگوں کی سیوا کا سندیش دیتا ہے۔ ادھر خانقاہ پیر دمڑیا شاہ مارکیٹ کے نائب سجادہ نشی سید شاہ فخر عالم حسن اور کانگریس ضلع ادھیک سید شاہ علی سجاد نے شہر واسیوں کو عید کی شبھ کامنائیں دی۔ ہم عید الفطر کے اس مبارک، مقدس اور پاون موقع پر خانقاہ پیر دمڑیا شاہ کی جانب سے
تمام ملک کے لوگوں کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح سے خاص طور پر ایمان والوں نے رمضان المبارک اور کے مقدس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آ کے ایک اللہ کی بندگی اختیار کی ہے, اسی طرح وہ پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں. بھائی عید خوشی کا دن ہے, خوشی کا موقع اللہ نے دیا ہے. اس ایک مہینہ صبر تحمل کے بعد, برداشت کے بعد اور اس تمام صبر میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے بعد اللہ نے ایک موقع دیا ہے انعام کا اور رضامندی کا کہ عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شکرانہ ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اپنے امتحان میں پاس فرمایا اور پھر ہم جو ہے آج عید منا رہے ہیں. کہلگاؤں انومنڈل ہنوارہ اور آس پاس کے چھیتروں میں بھی عید الفطر کا تہوار ہرش و الاس کے ساتھ منایا گیا. کھرا ٹکر عیدگاہ میں مسلم سماج کے لوگوں نے عید کی نماز ادا کی. اس دوران نوازیوں نے دیش ایوم پردیش کی خوشحالی کے ساتھ آپسی پریم اور بھائی چارہ کی دعا مانگی. اس افسر پر مسلم سمودائے کے لوگوں میں خاصا اتساہ دکھا اور سبوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی. مفتی محمد منظور صاحب نے عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عید آپسی بھائی چارہ اور سوہارد قائم رکھنے کا سندیش دیتا ہے. عید کو لے کر سبھی مسجدوں ایوم عیدگاہ کے آس پاس سرکشا بلوں کی تعیناتی رہی. किसान अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद. किसान अगरबत्ती धरती पर जले आकाश तक महके. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भागलपुर में विभिन्न जगहों पर पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने को लेकर रैली एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रभात फेरी में छात्र छात्राओं ने पर्यावरण की रक्षा करने एवं वृक्षारोपण करने को लेकर नारे लगाए. इस दौरान बच्चों ने भी वृक्षारोपण किया. वहीं ममलखा के यासना पब्लिक स्कूल हरिदासपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बुधवार को छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई. इस दौरान वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के गुरुसेवी स्वामी भागीरथ बाबा, समाजसेवी सुबोध मंडल संस्था के निदेशक अभिषेक अर्णव, सहायक निदेशक प्रिंस कुमार पर्यावरण को लेकर कई संदेश दिए. नाथनगर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित डलिया पट्टी से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 कैन वियर के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार युवक की पहचान ललमटिया थाना क्षेत्र के पीपरपाती निवासी कारू शाह के पुत्र राहुल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि राहुल डलिया दुकान की आड़ में अवैध रूप से शराब तस्करी का व्यवसाय करता था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान में छापेमारी कर शराब बरामद किया, साथ ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. एक ओर जहां जिले भर में ईद की खुशियां मनाई जा रही है, वहीं नगर निगम की लापरवाही से कई जगहों पर गंदगी का अंबार और नालों में कचरा पड़ा दिखाई दिया, जिससे नवाजियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. नाथनगर थाना क्षेत्र के अवीर मिश्रा लेन इस्लामपुर के लोग ईद की नवाज के बाद खुद ही नालों की सफाई करते दिखे. लोगों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से यह समस्या बरकरार है, जिससे आवागमन करने वाले बच्चों और राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ईद से पूर्व ही नगर निगम क्षेत्र के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के नालों और कचरों की सफाई की जानी थी, लेकिन इसके बावजूद नवाजियों को गंदगी के बीच से गुजरना पड़ा. हम लोग को यही कि हम लोग का त्यौहार बड़ा दिक्कत हो गया. रोड पर ठौना भर पानी है, जाते हैं बोलने के लिए नगर आयोग को भी, नगर जो है पार्षद अभी जो है वर्मा जी वहाँ तक भी हम कंप्लेन किए, इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेता. ये रोड जो है तकरीबन जो 35-40 साल से लगभग नहीं बना, और जा कर के ये नाली का जो सिल्लाधर दीज है, इसमें नाली जाम होकर के पूरा पानी रोड पे आता है.
आने जाने वाले यात्री को बहुत दिक्कत होती है। ये जो हम लोग का समस्या है ईद के मौके पे आज जो हुआ है, हम लोग को कितना परेशानी हो रहा है आने में। हमारे लोग नमाज़ पढ़ के आए, सब घूर के जाने लगे, इतना पानी रोड के कारण, ठौने के पानी है इतना, इतना हम लोग कैसे रहेंगे। जैसा कि समस्या आप देख सकते हैं, रोड पर पानी फुल भरा हुआ है, और ये जो है अभी नाली का काम करने से 2 से 3 महीना हो रहा है। अभी 2-3 महीने में आप देख सकते हैं, जैसे ईद के मौका पे ये रोड पे पूरा पानी वहाँ से सरदारपुर से ले गए पूरा ये विशहरी स्थान चौक तक पूरा लाली यानी जाम है। हाँ देखिए, ये ईद के मौके पर रोड का समस्या बहुत गड़बड़ हो गया है, जिसके वजह से नाला का पानी जो है रोड पर निकल रहा है, पब्लिक को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। कभी लेडीज़ गिर जाती है, कभी जेंट्स गिर जाता है, नमाजी आता है नमाजी को छींटा पड़ जाता है, यतीम खाने से बच्चा निकलता है पढ़ने के लिए उनको छींटा पड़ जाता है। ये विशहरी स्थान से थाना रोड के बीच में ये महत्वपूर्ण रोड है। इस रोड में इस्लामपुर मस्जिद, विशहरी स्थान, महासे ड्योढ़ी, जैन मंदिर, राम जानकी मंदिर वगैरह सभी महत्वपूर्ण चीज़ हैं, लेकिन आज तक इस रास्ते का कोई कभी ख्याल ही नहीं किया है। कलेक्टर हो, कमिश्नर हो या वगैरह वगैरह कोई भी हो, इसलिए निवेदन है आप लोगों के द्वारा ही कुछ रास्ता निकाला जाए इसका, रोड का, दोनों साइड नाला का और पानी का व्यवस्था का। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। पूरे देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया ईद उल फितर का त्यौहार, गले मिलकर लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। ईद को लेकर जिले भर के विभिन्न मस्जिदों और खानकाहों में उमड़ी नवाजियों की भीड़, उलेमाओं ने मांगी मुल्क में अमन चैन की दुआ। ईद को लेकर भागलपुर में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, अति संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, स्कूली बच्चों ने रैली निकाल पौधरोपण के दिए संदेश। और नाथनगर पुलिस ने दुकान में छापेमारी कर अवैध शराब के साथ युवक को किया गिरफ्तार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।